आपने काटी थी भैया गाय? ना हमने नहीं काटी गाय। और नहीं हम यहाँ ये फरीदाबाद में रहता, मैं बड़कल में इसमें मरकज में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सरफुद्दीन नाम है। यहाँ जो खिदमत में आया हुआ था 30 तारीख से 4 तारीख तक मैं रहा हूँ वहाँ पे। भैया आपका क्या नाम है? और मेरे पास में प्रूफ है इस्तमे का। चार मेरा नाम है साजिद अली है। और वो दो जो उनका क्या नाम है? दो उनको हम नहीं जानते वो कौन है। बनने का वो हमारे उन्हें पता नहीं कौन है। ये दोनों कौन है जो साथ में? हमारे पता नहीं है। कहाँ से उठाया आपको? तुम दोनों कहाँ से? मैं खेलिया से हूँ। कहाँ है वो? खेलिया। कहाँ से उठाया आपको भैया? आप लोग कहाँ से उठाए भैया? आपको भैया सरफुद्दीन कहाँ से उठाया आप? भैया जी इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि आपके खिलाफ FIR है, आप आ जाओ। बस हमें इसलिए पता है और कोई पता नहीं। चले गए चले गए। हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। पहला सर ये बुलंदशहर के शाने में जो गोकसी हुई थी उसमें पहले 4 आरोपियों को जेल भेजा था, क्या सर वो निर्दोष पाए गए? देखिए वो पूरी घटनाक्रम को लेकर के हम लोग लगातार विवेचना कर रहे थे, हमारी SIT की टीम और कई टीमें इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, हमारी टेक्निकल टीम भी उसमें लगी हुई थी। समुचित साक्ष्य संकलन करने पर ये तथ्य प्रकाश में आया कि 3 अन्य लोगों ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर के ये गोकशी की घटना की है, जिसमें सफिशियंट साक्ष्य संकलित किए गए, जो एविडेंसेस उपलब्ध थे उनका इवैल्यूएशन किया गया और इसके आधार पे ये निकल करके आया कि जो अभी हमने कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर के गोकशी की घटना की थी। उनसे पर्याप्त मात्रा में जो उस गोकशी की घटना में प्रयुक्त व्हीकल था, जिप्सी थी, गन थी और भी वस्तुएँ जो थी वो सब बरामद कर ली गई। इससे अभी तक जो साक्ष्य संकलित किया गया है उससे ये प्रकाश में आया है कि पूर्व में जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे उनके विरुद्ध सफिशियंट साक्ष्य नहीं है, बल्कि इन जो बाद में पकड़े गए हैं इन्होंने ये घटना कारित की है। तो इसमें निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए हम लोग जो 4 अभियुक्त पहले से पकड़े गए थे उन्हें उनके विरुद्ध 169 CRPC की कार्यवाही कर रहे हैं और जो ये 3 मुख्य अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके विरुद्ध गिरफ्तारी की गई है, बरामदगी की गई है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर और NSA वगैरह जितनी भी समुचित एक्ट के अंतर्गत हमें पावर होगा सब कार्यवाही। तो क्या सर ये माना जाए कि जो पहले 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था वो पुलिस का जल्दी में उठाया हुआ कदम था? नहीं, उस समय जो साक्ष्य संकलित किए गए थे उसके आधार पे गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन जब सफिशियंट साक्ष्य इवेल्युएट करके इस तरफ इशारा करते हैं और साक्ष्य मिल गए तो उसमें कार्यवाही की।